सोया प्रोटीन मिल्क के साथ ले या पानी से, वीडियो को अंत तक देखिए, आपको जवाब मिलेगा आसानी से। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हेल्थ रिलेटेड वीडियो यहाँ पर आते ही रहेंगे और सब्सक्राइब करने के लिए पैसे नहीं लगते, ये बिल्कुल फ्री है। कुछ लोग ये समझते हैं लाइक करने से मुझे पैसे मिलते हैं। नहीं दोस्तों, लाइक करने से कोई पैसे नहीं मिलते, लाइक करने से मुझे अच्छा लगता है। एक लाइक से आपको क्या जाता है, लाइक कर दीजिए। दोस्तों, पिछले वीडियो में होए क्या है, वो कितने प्रकार के होते हैं और होए के साइड इफेक्ट्स के बारे में मैंने डिस्कस किए हैं। अगर वो वाला वीडियो आपने मिस किया है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर उसका लिंक डाल दिया है, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। दोस्तों, होए प्रोटीन मिल्क से बनता है। इसके अंदर से लैक्टोज को निकल दिया जाता है। इसमें कम से कम कार्ब्स और फैट्स होते हैं और इसमें एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स मौजूद होते हैं। ये बहुत ही जल्द डाइजेस्ट हो जाते हैं। होए प्रोटीन इसलिए लिया जाता है क्योंकि ये जल्दी से डाइजेस्ट होकर के बॉडी को जल्दी से प्रोटीन और अमीनो एसिड प्रोवाइड कर सके और रिकवरी प्रोसेस फास्ट हो जाए। अगर आप इसे मिल्क के साथ लेंगे तो फायदा तो जरूर होगा, लेकिन जल्दी से ये डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। अब सवाल ये आता है कि इसे दूध से ले या पानी से, ये डिपेंड करता है आपके गोल क्या है उसके ऊपर। अगर आप बॉडी बिल्डिंग में नया है और थोड़े दिन पहले ही वर्कआउट स्टार्ट किए तो आपको होए प्रोटीन की ज़रूरत नहीं है। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना है, आप वर्कआउट करने के बाद एक या दो केले के साथ एक गिलास दूध पी सकते हैं। 6 से 8 महीने के बाद आप होए यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इंटरमीडिएट है, मतलब वर्कआउट करते करते आपके 1 और 2 साल हो चुके हैं, तो आप होए को सिर्फ पानी से ले और एक ही स्कूप ले। ये जल्द से जल्द डाइजेस्ट होंगे एंड मसल रिकवरी प्रोसेस को तेज करेंगे और इस पर इन्वेस्ट किया हुआ मनी आपका बेकार नहीं जाएगा। नाइट में सोने से पहले 30 या 45 मिनट्स पहले आप मिल्क के साथ होए ले सकते हैं, क्योंकि मिल्क के साथ मिलने पर यह केसिन प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि स्लो रिलीजिंग प्रोटीन है। दोस्तों, केसिन प्रोटीन रात में 6 से 8 घंटे तक आपके बॉडी को ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते रहेंगे, इससे रात भर आपके बॉडी में रिकवरी प्रोसेस चलता रहेगा। ये हार्ट गेनर के लिए बहुत ही लाभदायक है। दोस्तों, मेरे हिसाब से आप वर्कआउट के बाद होए को सिर्फ पानी से ले और एक ही स्कूप ले, तभी आपको होए का बेनिफिट्स मिलेंगे। दोस्तों, आपको कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं, आपको जवाब जरूर दिया जाएगा। दोस्तों, मेरा ये वीडियो आपका अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और वो लाल वाला सब्सक्राइब बटन के साथ आप कुश्ती कीजिए, कुछ भी कीजिए, मगर सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। तो आज के लिए बात इतना ही, फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो पर। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट।